बहुत रातें मैंने प्लेटफॉर्म पर गुजारी, बहुत दिनों तक भूखा रहा, लेकिन मैं हिम्मत कभी नहीं हारा, क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकने की कहानियों में से एक है फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की कामयाबी की कहानी। 61 साल के अनुपम खेर ने अपने 31 साल के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक यादगार भूमिका निभाई है। अनुपम ने अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर कई किरदारों को अमर बना दिया। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? उनकी गिनती देश के दिग्गज अभिनेताओं में होती है, पर आज अनुपम खेर अभिनेता कम नेता ज्यादा बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब भी कोई राजनीतिक या वैचारिक हमला होता है तो अनुपम खेर प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। जो लोग हमारे देश को बाहर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री, हम उनको ये बताना चाहते हैं बहुत टॉलरेंटली दैट हम बहुत टॉलरेंट करते हैं। क्या अनुपम खेर दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा समर्थक कलाकार और बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं? व्यक्ति विशेष में आज हम एक मामूली क्लर्क के बेटे के एक छोटे से शहर से बॉलीवुड के सतरंगी आसमान में उड़ने के सफर की कहानी दिखाएंगे। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं, भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। अनुपम खेर कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को वो पिछले कुछ सालों से अपने सीने से चिपका कर चलते हैं। अनुपम खेर का जन्म और परवरिश यूं तो शिमला में हुई, लेकिन कश्मीर से उनके परिवार का पुश्तैनी नाता है। 1999 के शरद ऋतु के आते आते कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला था। राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था और किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं रह गया था। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। उनके पिता पुष्कर नाथ पेशे से क्लर्क थे। अनुपम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शिमला में की। उनका परिवार काफी बड़ा था। उनके माता पिता, भाई के अलावा चाचा का पूरा परिवार साथ में रहता था। अनुपम के पिता 90 रुपए की तनख्वाह से पूरे घर का खर्च चलाते थे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम बहुत गरीब परिवार से थे, तो कहते थे कि जब इंसान गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। पैसों की तंगी की वजह से अनुपम की माँ को अपने गहने तक बेचने पड़े। गरीबी के उस दौर में भी अनुपम को जेब खर्च मिल जाता था, जो 10 पैसे हर महीने था। ये पैसे भले ही कम हो, लेकिन अनुपम के सपने बचपन से ही काफी बड़े थे। उनके सपनों को पंख लगाने में उस जमाने की 2 फिल्मों की बड़ी भूमिका रही। इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार अनुपम खेर का रुझान फिल्मों की तरफ हुआ। उसी दौरान एक फिल्म आई उपकार। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अनुपम को यह फिल्म भी बहुत पसंद आई। फिर क्या था, 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने अपने स्कूल में एक्टिंग शुरू कर दी। स्कूल के बाद कॉलेज में भी अनुपम दोस्तों के बीच काफी मशहूर थे। कॉलेज के दिनों से ही अनुपम के ऊपर एक्टिंग का भूत सवार हो गया था। मेरा घर से भाग के इंटरव्यू देना ड्रामा स्कूल के लिए, या मेरा ये डिसीजन कि मैं
28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का रोल करूँगा, पर मैंने अपनी ज़िंदगी के मील पत्थर जो हैं वो मैं उनको बढ़ाता चला गया। 70 के दशक में पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में उनकी मुलाकात मशहूर लेखक बलवंत गार्गी और आमल अनाना से हुई। उनके साथ नाटक करते हुए अनुपम ने ढेरों बातें सीखी। अनुपम की मेहनत रंग लाई और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट बने। यहीं से अनुपम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD पहुंच गए। मैं ट्रेंड एक्टर हूं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट हूं। मेरा पहला जॉब लखनऊ में ड्रामा डिपार्टमेंट में था, बतौर टीचर। मैं बॉम्बे एक एक्टिंग स्कूल में ही पढ़ाने आया था, फिर वो काम नहीं मिल पाया, वो बात अलग थी। '78 में NSD से निकलने के बाद अनुपम ने सोचा कि वो थिएटर करते रहेंगे, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। दिल्ली के बंगाली मार्केट में अनुपम को कई बार दोस्तों से उधार लेकर काम चलाना पड़ा। मुफलिसी के उस दौर में अनुपम को लखनऊ के भारतेंदु हरिश्चंद्र ड्रामा सेंटर से एक टीचर की नौकरी का ऑफर आया और अनुपम ने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। एक साल तक अनुपम ने काम किया, लेकिन उनके अंदर का एक्टर जोश दिखाने लगा और नौकरी में उनका मन नहीं लगता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि बिना पैसे के काम कैसे होगा। अनुपम के एक दोस्त ने सलाह दी कि क्यों ना वो मुंबई में टीचर की नौकरी कर ले और साथ ही फिल्मों में अपनी किस्मत भी आजमाते रहे। 1981 में अनुपम ने मुंबई का रुख किया। पता नहीं आपको ये सेशन चल रहा है। I don't care. आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। आपने परमिशन लिया है? चल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट है? कहाँ जा रहे हैं? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया? तो ऐसे नहीं आता। हटिए, चलिए चलिए। 25 मई 1984 को रिलीज हुई थी फिल्म सारांश। 32 साल पहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने तब 28 साल के अनुपम खेर की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। इस फिल्म के आने से पहले अनुपम खेर मुंबई की सड़कों पर फिल्मों में काम की तलाश में भटका करते थे। इस फिल्म ने एक ही दिन में अनुपम को बॉलीवुड में एक बड़े कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। हेलो। फिल्म में इकलौते बेटे को खो देने के बाद जिंदगी की जंग लड़ते महाराष्ट्रीय बुजुर्ग दंपत्ति के दर्द को दिखाया गया है। 28 साल की उम्र में अनुपम ने इस फिल्म में 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म माता पिता के भरोसे और संघर्ष के साथ ही आदर्शों के टूटने की कहानी भी कहती है। अनुपम खेर को भरोसा था कि उनके सपने इसी माया नगरी में पूरे होंगे, लेकिन सपने पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और अनुपम खेर के पास न तो पैसा था और न ही काम। ऐसे में उन्हें शिमला में एक फैक्ट्री में काम करने वाले उनके भाई की याद आई। छोटे भाई राजू से उन्हें पैसों की थोड़ी मदद मिली। संघर्ष के इस दौर में एक दिन अचानक उनकी मुलाकात जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट से हुई। महेश को पता था कि अनुपम एक बहुत अच्छे स्टेज कलाकार हैं, इसलिए उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। तब अनुपम ने जवाब दिया, आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं सबसे बेहतर हूं। इस जवाब से महेश अनुपम के कायल हो गए और उन्होंने वादा किया कि वो एक दिन अनुपम को अपनी फिल्म में जरूर काम देंगे। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब महेश भट्ट ने अनुपम को फिल्म सारांश में काम करने का ऑफर दिया। तो मुझे लगा क्योंकि इसकी कोई पहचान मुंबई में है नहीं, हमारे फिल्म स्पेस में, और थिएटर का ये था और उसके बाल उस वक्त भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि इसको हम मेकअप के जरिए रिक्रिएट कर पाएंगे और वो 70+ शख्स की एक आइडेंटिटी जो हम चाहते हैं हम क्रिएट कर पाएंगे। अनुपम को सारांश का ऑफर तो मिला, लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चला कि उस रोल के लिए सुपरस्टार संजीव कुमार को साइन करने की बात चल पड़ी है। शिद्दत जिससे उसने लड़ाई की थी उससे देखकर मुझे एक तो उस पर बहुत प्यार आया और फिर अपनी गिल्ट का भी एक एहसास हुआ कि साहब मैंने हाँ प्रॉमिस तो किया था इसे और मैं कुछ बैकआउट कर रहा हूँ।
तो फिर मैंने कहा कि मुझे याद है कि दीवार से वो अपनी पीठ लगा के वो रो रहा था वहाँ पर मेरी बिल्डिंग के नीचे, तो मैंने कहा कुछ रोना धोना बंद कर, अभी अब ये फिल्म अगर बनेगी तो तेरे साथ ही बनेगी। 28 साल के अनुपम ने 65 साल के बुजुर्ग का ऐसा किरदार निभाया कि उस दौर के बड़े बड़े स्टार भी दंग रह गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पता नहीं ये भाव को क्या हो जाता है, मेरे बच्चे के गर्म कपड़े नहीं लाए अभी तक। पार्वती, फ्लाइट का समय हो रहा। यूजली कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं उनके चेहरे को हम पहचानते हैं, उनके नाम को नहीं पहचानते हैं, बट ऑफ कोर्स इनकी शुरुआत एज ए लीड एक्टर हुई और उसके बाद वो कैरेक्टर एक्टर के रोल्स में ढले। बट सब अनुपम खेर को इसलिए जानते हैं बिकॉज कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें वो दिखते हैं। सारांश के रिलीज के बाद अनुपम खेर को 10 दिन में ही 100 फिल्मों के ऑफर आ गए। अनुपम खेर के तो सपनों को ही पंख लग गए और उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनुपम खेर को फिल्मों में हीरो के रूप में हमेशा कोई मुख्य भूमिका नहीं मिली, लेकिन सहायक कलाकार की भूमिका में भी उन्होंने कई बेमिसाल किरदारों को निभाया है। साल 1989 में महेश भट्ट की फिल्म डैडी आई थी। इस फिल्म में अनुपम ने एक शराबी पिता की भूमिका निभाई जो खुद से दूर जा चुकी बेटी को पाने के लिए संघर्ष करता है। इस फिल्म में अनुपम की भूमिका को खूब सराहा गया था। नहीं, जैसे अगर हम उनकी बात करें एज एन एक्टर, देन पिछले जो 3 दशक में हम जितने सारी फिल्में देख चुके हैं और जितने सारी फिल्मों में वो रह चुके हैं कि एक ज़माने में जावेद अख्तर ने कहा था कि 2 चीज़ों की ज़रूरत है बॉलीवुड फिल्म बनाने की के लिए, और एक है रॉ स्टॉक और दूसरा अनुपम खेर। एंड लिटरली फिल्म आफ्टर फिल्म मुझे ऐसा लगता था कि क्लोन हो रहे हैं ये, और इतने सारे सेट्स में एक बार में कैसे मौजूद हो जाते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है इनको खुद नहीं पता हो कितनी सारी फिल्में की हैं। साल 2005 में जानू बरुआ के निर्देशन में फिल्म आई थी मैंने गांधी को नहीं मारा। इस फिल्म में अनुपम खेर ने डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित हिंदी के शिक्षक उत्तम चौधरी का किरदार निभाया था। अपने कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, सारांश के हेडमास्टर बीवी प्रधान या मैंने गांधी को नहीं मारा के प्रोफेसर उत्तम चौधरी? एज एन एक्टर मेरे लिए उत्तम चौधरी बहुत डिफिकल्ट था करना, और सारांश मेरी पहली फिल्म थी तो मैंने पूरी जिंदगी का जोर उसमें डाला दिया था, बट उत्तम चौधरी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉज मच मोर डिफिकल्ट देन सारांश। छह में आई थी फिल्म खोसला का घोसला। इस फिल्म में जहां बमन ईरानी ने एक धूर्त भू माफिया का अभिनय किया है, वहीं सीधे साधे आम आदमी की भूमिका में अनुपम खेर ने फिल्म को अपने अभिनय से यादगार बना दिया। किशन खुराना, के खोसला, कैसे आप? आई एम फाइन सर, आप? चाय पानी वगैरह पूछा उन्होंने? जी नहीं पूछा। फिल्म वीर जारा में वकील जाकिर अहमद को भला कौन भूल सकता है। फिल्म हम आपके हैं कौन में अपनी कॉमेडी से अनुपम ने एक अलग पहचान बनाई। अ वेंसडे 1942 अ लव स्टोरी, स्पेशल 26 रामलखन, विजय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल, सौदागर, हम आपके हैं कौन और चाहत, ये वो फिल्में हैं जिनका जिक्र किए बगैर अनुपम खेर की बेहतरीन फिल्मों की फेहरिस्त पूरी नहीं की जा सकती। मुझे तो जिंदा रखना है तुम्हें बहुत देर तक। जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली, जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी, कभी चापबुक कभी चॉकलेट, कभी रौनक कभी धक्कम पेल, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेम्बर लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर की कामयाबी की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सिमटी नहीं है,
उन्होंने टीवी पर कई लोकप्रिय शोज को होस्ट किया है। अनुपम का शो कुछ भी हो सकता है काफी लोकप्रिय है। उन्होंने एक्चुअली वो मतलब वो आम जिंदगी में भी अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मतलब हमारे अंदर से एक इंसान निकालो। कैसे किया वजन लूज आप? कुछ लोगों को कुछ पैसों के बाद खुशी मिल जाती होगी, बट उन्होंने टेलीविजन भी किया है। टेलीविजन के बाद कुछ लोगों को खुशी मिल जाती होगी, बट उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से हम देखें तो उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला है। बहुत ही पॉपुलर एक्टिंग स्कूल है, एक प्रॉपर एक बिजनेस है, बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, बहुत शहरों में है, बॉम्बे में तो ऑफकोर्स बहुत ही प्रोमिनेंट है। मैं अनुपम खेर को अपना फ्रेनिमी कहता हूँ। ही इज माई फ्रेंड हु इज वेडेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द एनिमी, क्योंकि मैं एक वो राइट विंग आइडियोलॉजी जो है जिसकी जो आरएसएस की है कि एक हिंदू स्टेट की जो उनकी एक कल्पना है उससे मैं एग्री नहीं करता। तो मैं उनसे तो प्रेम करता हूं, मगर उनकी आइडियोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल अक्टूबर की बात है, बीफ खाने के शक में अखलाक नाम के एक शख्स की दिल्ली के नजदीक दादरी में लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। देश में असहिष्णुता को लेकर बहस छिड़ गई थी। उसी दौरान फिल्म अभिनेता आमिर खान का एक बयान आया। आमिर ने कहा कि उनकी पत्नी किरण राव ने उन्हें भारत छोड़ने का सुझाव दिया था। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for atmosphere around us will be. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. इस बयान के बाद अनुपम खेर ने आमिर के ऊपर सवालों की बौछार कर दी। अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि डियर आमिर खान, क्या आपने किरण को बताया कि आप इस देश में इससे भी बुरा दौर देख चुके हैं, लेकिन आपने कभी देश छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं? अनुपम ने एक ट्वीट में आमिर से सवाल किया, क्या आपने किरण से पूछा कि वो भारत छोड़कर किस देश में जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? बहुत सारे दौर से हम गुजरे हैं, जिसको अब हम याद करें तो कह सकते हैं ये तो बड़ा इंटॉलरेंट टाइम था। इमरजेंसी का टाइम बहुत इंटॉलरेंट था। 84 राइट्स पे जब लोगों को मार दिया गया था, बहुत इंटॉलरेंट था। कश्मीरी पंडितों को जब निकाल दिया था कश्मीर से, बहुत इंटॉलरेंट था। तो बहुत इंटॉलरेंट फेज से हम गुजर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे और अजीब सी बात तभी लगी जब एक आप एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध अगर आप आवाज़ उठाएं या पावर के विरुद्ध अगर आप आवाज़ उठाएं और या सड़क पर आएं तो लोगों को खुशी होती है, लोग आपके आपके साथ चलते हैं। पर आप आर्टिस्ट के विरुद्ध, खुद आर्टिस्ट होते हुए आप आवाज़ उठाएं जिनकी खुद कोई पावर नहीं है, जो खुद निहत्ते हैं, और उसके बाद आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएं उनके अगेंस्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने जाएं उनके अगेंस्ट, तो थोड़ी अजीब सी बात लगी। कुछ महीने पहले की बात है, असहिष्णुता के मुद्दे पर देश में कई फिल्मकार और साहित्यकार अपना अवार्ड लौटा रहे थे। मोदी सरकार विरोधियों के निशाने पर थी, तभी एक बार फिर अनुपम खेर सरकार के समर्थन में उतर आए। अनुपम ने दिल्ली में असहिष्णुता की बात करने वालों के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, सबके अंदर होती है, एंड अल्टीमेटली राजनीति का यही मतलब होता है, या पॉलिटिक्स का यही मतलब होता है कि आप अपनी आवाज उठाएं किसी भी इनजस्टिस के अगेंस्ट। तो वो एक आर्टिस्ट में भी होती है, एक कलाकार में होती है, एक इंडिविजुअल में होती है, एक नागरिक में होती है। दूसरी पॉलिटिक्स होती है पार्टीजन पॉलिटिक्स या पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स, जहां पे जो बातें होती हैं वो हमेशा किसी और को नकारना या किसी को नीचा दिखाना या किसी और को अटैक करना, किसी इंडिविजुअल को या किसी पार्टी को अटैक करना। एंड अनुपम खेर किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, बट तब भी वो पार्टीजन पॉलिटिक्स के काफी स्ट्रांग हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि अनुपम इन आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग देश का नाम विदेश में बदनाम कर रहे हैं, इसलिए किसी को तो आवाज उठानी ही होगी, इसलिए वो उन लोगों के खिलाफ हैं जो मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि जो लोग हमारे देश को बाहर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री, हम उनको ये बताना चाहते हैं बहुत टॉलरेंटली, दैट हम
बहुत टॉलरेंट।